लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नागपुर और रामटेक लोकसभा में मतदान हुआ है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नितिन गडकरी ने महल से टाउन हॉल में जाकर अपना मतदान किया। नागपुर लोकसभा के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। धूप के कारण सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की कतारें दिखाई दे रही थी। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी नितिन गडकरी ने पूरे परिवार के साथ महल से टाउन हॉल में मतदान किया। इस समय उनकी पत्नी, बेटे और बहू उपस्थित थी। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए गडकरी ने कहा कि सभी ने मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।